हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे असम सरकार का लेटेस्ट अनाउंसमेंट जो खास तौर पे क्लास 10 और 12 का स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। पहला मेजर अनाउंसमेंट हुआ रिजल्ट्स को लेके। क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट है वो जून 15 से जून 25 के बीच में आप लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट के लिए आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा या अदर वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन जो असम सरकार रिकमेंड करेगी। ठीक है, रिजल्ट आप लोग को बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा। रिजल्ट्स के लिए आप लोग को स्कूल कॉलेज में जाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा अनाउंसमेंट हुआ एकेडमिक कैलेंडर को लेके। असम सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि इस साल का जो एकेडमिक कैलेंडर है जो दिसंबर 31 को ख़त्म हो जाएगा उसको एक्सटेंड करके मार्च 31 कर दिया जाए। ठीक है, ये करने का मेन रीज़न ये है कि कोविड-19 की वजह से अप्रोक्स 3 months का स्टूडेंट्स का लॉस होने वाला है, तो उसको कवर अप करने के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर है वो थ्री मंथ्स सरकार बढ़ाने का प्लानिंग कर रही है। तीसरा अनाउंसमेंट हुआ है ऑनलाइन एडमिशन को लेके। इस साल जितने भी एडमिशन होंगे वो सब का सब ऑनलाइन मोड पे होंगे। रीज़न ये है कि एडमिशन के टाइम में स्कूल और कॉलेज में बहुत गैदरिंग हो जाता है और सरकार नहीं चाहती है कि इस साल किसी भी सिचुएशन में किसी भी रीज़न से कहीं भी गैदरिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए है। क्लास 12 के स्टूडेंट को असम सरकार फ्री में बुक्स प्रोवाइड करती है, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 26, 27, 28 को अपने रेस्पेक्टिव स्कूल या कॉलेज में जाके बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही क्लास 12 को जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। अगर लॉकडाउन 31 मई के बाद भी कंटिन्यू रहता है तो क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं वो अपने नियरेस्ट कॉलेज, जो भी कॉलेज होगा चाहे उसमें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, वहाँ जाके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को कहीं भी टाउन छोड़ के दूसरे टाउन में जाए क्लास अटेंड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट हुआ है, अगर मई 31 तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आता है तो क्लास 12 का जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। ठीक है, साथ ही डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो स्टूडेंट्स का पढ़ाई को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कुछ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो भी कंपटीशन होगा ऑनलाइन होगा और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे इसमें से टॉप 10,000 को प्राइज मनी भी दिया जाएगा। तो ये तो है मेजर अनाउंसमेंट जो असम सरकार ने क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट के लिए किया गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दे देना है और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।